सबसे पहले मुख्य समाचार। की ओर से चंद्र प्रकाश ने ग्रहण किया समर इंटर्नशिप पुरस्कार। देश तीसरे पुरस्कार से सम्मानित की प्रगति देखने की भी दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। भारत इतिहास रचने से अब केवल चंद पहली बार कोई भारतीय प्रक्षेपण यान चांद की सतह पर उतरेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर रात 1 से 2 बजे के बीच की जाएगी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के अनुसार प्रक्रिया शुरू है। उतरने के लगभग 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा। रोवर चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात बेंगलुरु पहुंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे। उनके साथ देश भर के हाई स्कूल के लगभग 70 विद्यार्थी होंगे, जिनका चयन चंद्र मिशन के बारे में राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता से किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पुरस्कार दिया गया। वहीं रेल मंत्रालय को स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता के विजय सेनानियों को सम्मानित किया गया, जिनमें भारतीय शहीद सैनिक स्कूल नैनीताल की ओर से चंद्र प्रकाश ने सम्मान ग्रहण किया। इसके अलावा गंगा ग्राम श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बाघौरी गांव को श्रेष्ठ ग्राम सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान भवान सिंह राणा ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियों के शानदार क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश को पहला, उत्तराखंड को दूसरा और दिल्ली को तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जिला पुरस्कार में पूर्वी तवांग को पहला, महेंद्रगढ़ को दूसरा और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को तीसरा पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालक बालिका अनुपात में सुधार के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों का अभिनंदन करना है। अगर यही हम हर ब्लॉक में हर पंचायत में करने लगे कि आओ बैठकर कॉफी हो या चाय, बात करें उस जननी की जिसे कई परिवारों में कोख में मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बातचीत के इस माहौल से भी समाधान निकलता है। और ये मौसम उत्कृष्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सेनानियों को सम्मानित करने का। राष्ट्र भर में गणेश उत्सव का माहौल है और गणपति दादा को कोई देखे तो उनका जीवन ही शुरू हुआ माँ के संरक्षण से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में सिंचाई और पर्यटन विभाग की समीक्षा की। सीएम डैशबोर्ड के तहत की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर आधारित समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हर हाल में निर्धारित समय से पहले पूरे कर लिए जाए। अधिकारी प्रत्येक माह कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य की प्रगति देखे। उन्होंने सचिव स्तर से भी फील्ड में कार्यों का निरीक्षण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब नलकूपों को तुरंत ठीक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था भी रखी जाए। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट टीचरों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई कमी है, हमने गेस्ट टीचर के माध्यम से सब जगह व्यवस्था की हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और हमने वाकई में इंटरव्यू के माध्यम से भी इन शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए हमने प्रावधान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई निर्देश दिया नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्राप्त होगा, सब जगह एक भी ऐसा विद्यालय नहीं बचेगा जहाँ अध्यापकों की कमी हो। बेसिक स्कूलों के हालात ज्यादा नाजुक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ,
और उसका समाधान भी निकालने का हमने प्रयास किया और आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी हमको उसमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि कई जगह विभाग की पहले लापरवाही रही है कि जहाँ बच्चे कम है वहाँ सुविधाजनक स्थान है तो वहाँ अध्यापक ज्यादा है, लेकिन कई जगह जब बच्चे ज्यादा हैं वहाँ अध्यापक कम है। इस विसंगति को दूर करने के लिए 12 तारीख को हमारी समीक्षा बैठक है और निश्चित ही छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों का समायोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक निश्चित समय अवधि तय कर अधिकारियों को नियोजित तरीके से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने का काम केवल शिक्षा विभाग तक सीमित न रहे, इसमें स्कूल कॉलेजों के बच्चों सहित आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों का भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने महाविद्यालयों में ई लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही। साथ ही प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 3,900 क्लस्टर चयनित कर दिए जाने की जानकारी भी दी। उत्तराखंड विधानसभा और सचिवालय में प्लास्टिक व प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि प्लास्टिक विशेषकर माइक्रो प्लास्टिक से जहां पर्यावरणीय और दुष्प्रभाव के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं, वहीं ये सतत विकास में भी बाधक है। गौरतलब है कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर केवल एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का आह्वान किया था। उधमसिंह नगर जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रुद्रपुर में मिशन खुशियां के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसके जरिए बच्चों को नशे की जद से बाहर निकालने के साथ नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल द्वारा मेडिकल स्टोर स्वामियों और फार्मासिस्टों की एक बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने गैरकानूनी रूप से नशीली ड्रग्स बेचने वालों पर करने और उनका लाइसेंस तक निरस्त करने की बात कही। फार्मासिस्ट स्टोर्स होते हैं, उनके अंदर कई प्रकार की दवाइयां ऐसी हैं जिनको लोग खरीद के ले जाते हैं और उसको ड्रग्स सब्सटेंस का जो अब्यूज होता है उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ इंजेक्टेबल है, कुछ ओरल टैबलेट्स होती है, उसके लिए आज जो भी हमारे जिले की पूरी जो केमिस्ट एसोसिएशन उनको बुलाया गया है और उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो भी अपने स्तर से इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लें कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति को हमारे जिले के अंदर कोई भी इस प्रकार का साइकोट्रोपिक जो हमारी ड्रग्स हैं जो इसमें लिस्टेड में आती हैं वो कहीं से इस प्रकार के अब्यूज के लिए ना मिल सके। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। आज सारे केमिस्ट को मोटिवेट करने के लिए जो जितने भी शॉप्स हैं, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है, तो सर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उसमें उनको सबको मोटिवेट किया जाए और उनके लिए कुछ मिनिमम चेकलिस्ट बनाई जाए कि क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। जब वो एक ड्रग शॉप रन करते हैं तो उनको बताया गया है कि वो CCTV कैमरा लगाएं, एक रजिस्टर मेंटेन करें साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस बेचने से पहले, और उसके साथ साथ जो इसको खरीदने के लिए आ रहा है उसकी सूचना भी रखें साथ में कि उसका क्या मोबाइल नंबर है, क्या नाम है, किस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर एंटी ड्रग्स कमेटी का गठन किया गया है जो समय समय पर मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग कर नशे के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद राजोग ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तब सभी चकित रह गए जब राज्यपाल के रूप में श्री कोश्यारी ने मराठी में शपथ ली। गुरुवार को मुंबई में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले के अलावा उत्तराखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री रेखा आर्य और डॉ. धन सिंह रावत उपस्थित थे।
राज्य में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं का विश्लेषण करने के बाद ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई। आयोग द्वारा तैयार की गई इस पांचवी रिपोर्ट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं ताकि पलायन को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पलायन आयोग द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विकास से संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाए जाने की भी जरूरत बताई। प्रदेश के कई जिलों में जहां डेंगू अपने पैर पसार चुका है, वहीं इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीजों के सही उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर मिलाप मिशन राजकीय चिकित्सालय के CMS डॉक्टर राजकुमार ने जानकारी दी कि डेंगू पीड़ितों के सही उपचार के लिए अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक अकेले हरिद्वार में लगभग 62 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और सभी का इलाज जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि खून की पूर्ति करने के लिए भी ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स की भी सुविधा पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध है। डेंगू के लिए एक इसके फर्स्ट टाइफस के लिए है, उसमें 6-6 बेड है और अब तक हमने डेंगू के 62% डायग्नोस किए हैं लैब से और इसके फर्स्ट टाइफस के 63 के, और ये जो भर्ती होते हैं और छुट्टी कर देते हैं, जो ट्रीट हो जाते हैं, कोई ऐसा पेशेंट नहीं हुआ जिससे इन बीमारियों के कारण कोई कैजुअल्टी हुई हो। ब्लड बैंक है जो कि उत्तराखंड का नंबर 1 ब्लड बैंक है इस समय, और यहाँ पे लगभग हर हफ्ते एक बाहर कैंप लगते हैं जिससे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा के ब्लड की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करते रहते हैं। प्लेटलेट्स पर्याप्त है हमारे पास और पूरे रुड़की पूरे हरिद्वार को हम सप्लाई करते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 2 इतिहास रचने की ओर अग्रसर। आज देर रात भारत का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरेगा। प्रधानमंत्री